Hello everyone, in earlier topic we had a talk about market system and about some features of market mechanism system and some benefits of market systems. Now today we are start with limitation of market mechanism system and another topic is socialist system. So start with limitation of market mechanism systems. In spite of having many benefits, market system is not perfect. कि मार्केट सिस्टम के बहुत सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद भी वो एक परफेक्ट नहीं माना जाता है. देर आर मैनी डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ इट, कि उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है और उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. फर्स्ट, बिकॉज ऑफ कीपिंग प्रॉफिट इन द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, कॉमोडिटीज आर प्रोड्यूस इज मोर क्वान्टिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस कॉमोडिटीज ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट इज निग्लिजेबल और रिड्यूस. कि जब भी हम प्रॉफिट को सेंटर में रख के कोई चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो कमोडिटीज़ मतलब कि हमारी मौज शौक की जितनी भी ज़रूरियात हैं वो, और जितनी भी लग्जरी हमारी ज़रूरियात है वो, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम वही चीज़ को हम बढ़ावा देते हैं कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हम उसको भूल जाते हैं या तो उसको रिड्यूस कर देते हैं अपनी लाइफ में से. सेकेंड वन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू रूल ऑफ स्टेट, नेचुरल रिसोर्सेज आर वेस्टेड. सी, ये एक मेन पॉइंट है कि कोई भी स्टेट का एक पॉलिसी रूल है ही नहीं, तो वो ना होने की वजह से हमारे जितने नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. थर्ड वन, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट द मार्केट, कस्टमर्स आर एक्सपोलिएट. कि जितने भी कस्टमर्स हैं उसके पास जो मार्केट सिस्टम है उसकी कम नॉलेज है, या तो वो ये चीज़ से पूरे के पूरे अनजान है, तो उसकी वजह से कस्टमर्स को बहुत ही ज़्यादा उनका शोषण किया जाता है. फोर्थ वन इज़ ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम, देर इज़ अ इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम. यहाँ पे प्रॉपर्टी और इनकम को सेंट्रलाइज किया जाता है जिसकी वजह से जो उनकी इनकम होती है तो उनमें अनबैलेंस क्रिएट हो जाता है. फिफ्थ वन इज़ देर इज़ अ फियर ऑफ मोनोपोली, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, एक्सपोलिएशंस ऑफ लेबर एक्सेट्रा. कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भय रहता है कि सर कि मोनोपोली हो जाता है, इकोनॉमिक कोई स्टेबिलिटी नहीं होता है, और लास्ट वन इज़ कि जो लेबर है उनका भी शोषण किया जाता है. तो ये कुछ उसके लिमिटेशंस हैं. नाउ स्टार्ट विथ सोशलिटी सोशलिस्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ लिमिटेशन एंड फेलियर्स ऑफ मार्केट सिस्टम. सी, यहाँ पे सोशलिस्ट जो सिस्टम है उसका ओरिजिनेट कैसे हुआ, तो उसके जो मार्केट सिस्टम के कुछ लिमिटेशंस थे, उसका जो फेलियर था, उसकी वजह से ये सोशलिस्ट सिस्टम आया, मतलब कि समाजवादी. कंट्रीज लाइक रशिया एंड चाइना हैव अचीव फास्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस बाय अडोप्टिंग दिस सिस्टम्स. कि जो रशिया है, चाइना है, जिसका इकोनॉमिक बहुत ही फास्ट है, तो उन लोगों ने ये सोशलिस्ट सिस्टम अपनाया हुआ है जिसकी वजह से वो आज इतने आगे हैं. सोशलिस्ट सिस्टम इज अ क्वाइट अपोजिट टू द मार्केट सिस्टम. कि जो सोशलिस्ट सिस्टम है वो मार्केट सिस्टम से एकदम ही अपोजिट है. In the socialist system, all economic decisions are taken by the state ministry. क्योंकि यहाँ पर जो market system में था क्योंकि जो market जो भी चीज़ें हो रही है वहाँ पर जो हमारा state government है वो बिल्कुल भी उसमें interfere नहीं करता था, पर यहाँ में state ministry है वो क्या करेगी, उसके अंदर सारे decision लेगी. State own all the resources of production. इसमें जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सब में जो स्टेट का मिनिस्ट्री होगा उसकी ही मालिकी रहेगी. इन दिस सिस्टम होल इकोनॉमी इज मैनेज्ड बाय द स्टेट. कि इसमें स्टेट से ही पूरा जो इकोनॉमी है वो मैनेज होगा. ऑल द डिसीजन पर्टेनिंग टू प्रोडक्शंस, इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा आर टेकन after keeping the requirement of the society in mind.
कि इसमें क्या होगा कि जो पूरा इकोनॉमी का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा, तो जितना भी सोसाइटी है उसको ध्यान में रख के होगा कि जो उसका प्रोडक्शन है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, प्रोडक्शन कैसे करना है, और ये पूरी चीज़ है वो किसको ध्यान में रख के होगी, सोसाइटी को ध्यान में रख के की जाएगी, और वो किसके थ्रू होता है, स्टेट के थ्रू किया जाता है। इन द सोशलिस्ट सिस्टम रादर देन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर। मार्केट सिस्टम में क्या था, प्रॉफिट को ध्यान में रख के किया जाता था, पर सोशलिस्ट सिस्टम में क्या है कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखा जाता है, कि यहाँ पे समाज का जो जो कल्याण होता है तो वो इसमें ध्यान में रखा जाता है। पर मार्केट सिस्टम में ये चीज़ नहीं था, वहाँ पे जो प्रॉफिट है उसको ध्यान में रखा जाता था। प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सिस एंड द प्राइजेस आर डिसाइडेड बाय द स्टेट। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है रिसोर्सिस का और उसकी जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करता है, स्टेट डिसाइड करता है। मार्केट सिस्टम में स्टेट डिसाइड नहीं करता था। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, कि यहाँ पे जो भी अचीवमेंट हो जाएगा, जो टारगेट होगा प्रोडक्शन का, वो किसके थ्रू डिसाइड किया जाएगा, कि जो स्टेट गवर्नेंस होंगे फैक्ट्रीज के उसके थ्रू किया जाएगा। फार्मिंग इज़ ऑल्सो ओन बाय द स्टेट, कि जो फार्मिंग है वो भी स्टेट ने हाथ में ले रखा है। लेबर आर पेड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड अकॉर्डिंगली वर्क इज़ टेकन फ्रॉम देम, कि ये जो लेबर है उनको जो पेड होता है मनी, तो वो किसके आधार पे होगा, कि उसकी एबिलिटी के आधार पे होगा, और उसके पास से कितना वर्क लेते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको पे किया जाएगा। नाउ फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम, फर्स्ट रिसोर्स आर ओन बाय द स्टेट्स, के जितने भी रिसोर्स होगा उसका मालिक ही किसका रहेगा, स्टेट का रहेगा। ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द स्टेट, के इसमें जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन होंगे वो किसके बेसिस पे होंगे, स्टेट ही करेगा उसका। थर्ड वन, रादर देन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज़ एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कि यहाँ पे प्रॉफिट को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, यहाँ पे सोशल वेलफेयर मतलब का समाज का जो हित होता है वो ध्यान में रख के सारी एक्टिविटीज़ की जाती है। फोर्थ वन इज़ लेबरर्स आर पेड वेजेस इन रिटर्न ऑफ वर्क, कि जितना भी लेबर को पेड किया जाता है तो वो उसका वर्क होता है उसके बदले में उसको दिया जाता है। नाउ बेनिफिट्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी अनइम्पोर्टेंट एंड लग्जरियस आइटम्स आर नॉट प्रोड्यूस। सी यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर ही होगा, तो यहाँ पे जितनी भी लग्जरियस और अनइम्पोर्टेंट थिंग्स है तो वो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो जाएगी। Is the decision related to production are taken by the state, so wastage of resources is not there, कि यहाँ पर जो पूरा स्टेट होगा वही प्रोडक्शन के ऊपर डिसीजन लेगा, तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स का जो वेस्ट हो रहा है वो नहीं हो जाएगा। डिस्परिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव, कि इसमें इनकम और प्रॉपर्टी है वो दोनों की जितनी असमानताएँ हैं वो क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा। फोर्थ वन इज़ कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सपोलिएटेड, मतलब कि यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स है कंज्यूमर्स है उसका कोई भी शोषण नहीं होता है। नाउ लिमिटेशन ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम, कि इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सोशलिस्ट सिस्टम विच हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस विद द नोबेल इंटेंशन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल वेलफेयर ट्यू हैज़ सर्टेन लिमिटेशंस, कि ये जो सोशलिस्ट सिस्टम है वो तो पूरा सोशल जितने भी चीज़ें हैं उसको ध्यान में रख के किया जाता है, तो भी इसके अंदर कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं। तो वो क्या है, फर्स्ट वन इज़ एज द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट पीपल डू नॉट गेट एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन टू इंक्रीज प्रोडक्शन,
कि इसमें जो भी प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ स्टेट के हाथ में होता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन रहेगा उसका एनकरेजमेंट है और उसका जो मोटिवेशन है वो नहीं होता है. सेकंड वन इज़ ड्यू टू लेक ऑफ कॉम्पिटिशन कॉन्टेस्ट एंड रिसर्च डू नॉट गेट मोमेंटम इन द इकोनॉमी, कि इसमें कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होता है या तो फिर ना होने की वजह से क्या हो जाता है कि जो पूरा इकोनॉमी का पाथ है उसको उतना ज़्यादा जो स्पीड मिलना चाहिए आगे बढ़ने का वो नहीं मिलता है. जो मार्केट सिस्टम में क्या था कि वहाँ पे तो पूरी कंपटीशन ही कंपटीशन था, तो वो हर कोई कुछ नया ही चीज़ सोच के वो खुद के अंदर कुछ इनोवेटिव करके वो पूरा इकोनॉमी को आगे बढ़ा लेता था. पर यहाँ पे तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो यहाँ पे इकोनॉमी को उतना ज़्यादा वीक नहीं मिलता है. थर्ड वन इज़ देर इज़ अ लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन दिस सिस्टम, कि यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर कोई भी पर्सन को इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंस फ्रीडम नहीं मिलता है. फोर्थ वन इज़ बिकॉज ऑफ कम्प्लीट इंटरफियर ऑफ स्टेट देर इज़ अ फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कि मतलब यहाँ के जितने भी डिसीजन होंगे वो पूरे स्टेट के हाथ में हो जाने की वजह से यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का जो फियर है वो क्रिएट हो जाता है. ब्यूरोक्रेसी मतलब कि जो ऑर्डर आता है उसको ही फॉलो करना पड़ता है, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते. मतलब कि यहाँ पे टाइप ऑफ हम नौकरशाही वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं ब्यूरोक्रेसी का, अगर मैं गुजराती में मतलब बताऊँ तो नौकरशाही बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी भाई डिसीजन आ रहा है हमें वही करना है, उससे हम आड़ा टेढ़ा कुछ कर ही नहीं सकते. जैसे कि बड़े भाई ने बोला है कि ये करना है तो छोटा भाई वही करेगा, तो ये उसके कुछ लिमिटेशंस थे. थैंक यू.